वेलकम बैक एवरीवन। देखिए, यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही थी, 140 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 141, इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न, तो सब्सक्राइब रखना चैनल को और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 141। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है वर्तमान में, बताइए। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। और विश्व में सबसे ऊपर कौन है देखा जाए तो कजाकिस्तान है, लेकिन कजाकिस्तान ऑप्शन में तो है नहीं, तो कनाडा लगाया आंसर। अगर कनाडा भी नहीं होता तो तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और चौथे पर है नाइजर, तो दूसरा कनाडा है यहाँ, क्योंकि कजाकिस्तान नहीं है तो पहला यहाँ पर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कनाडा। और वैसे क्या है, कजाकिस्तान पहला है, कनाडा दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया तीसरा और नाइजर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा एक कथन जो है वो असत्य है? वर्तमान में मत्स्य उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है फिश प्रोडक्शन में, और मत्स्य उत्पादन में इंडोनेशिया की स्थिति भारत से बेहतर है। मत्स्य उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान रखता है और मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। इनमें से एक गलत है, कौन सा गलत है? देखिए, चीन जो है फिश प्रोडक्शन में वो प्रथम स्थान पर, ये तो करेक्ट है। मत्स्य उत्पादन में इंडोनेशिया की जो स्थिति है भारत से बेहतर नहीं है, गलत है स्टेटमेंट ये। एक साल पहले तक थी, अब नहीं है, लेकिन अब दूसरा स्थान पर जो है वो इंडिया आ गया है, तीसरे पर पहुंच गया इंडोनेशिया, और बिल्कुल नीली क्रांति के अंतर्गत आता है मत्स्य उत्पादन, तो ये भी करेक्ट है। तो दूसरा गलत है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, ऊपरी, करेक्ट है, ये ऊपरी है। विधान परिषद विधानमंडल का अंग है, ये भी करेक्ट है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल, जैसे सेंट्रल में राज्यसभा के चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, देखिए राष्ट्रपति के द्वारा थोड़ी किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। राज्य में राज्यपाल करेगा, सेंट्रल में कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो डी गलत हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट है, ये गलत है, तो इसका आंसर डी ही होगा। तो विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, इसके सदस्य जो हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। और विधान परिषद जो है वर्तमान में 6 राज्यों में है, और विधानमंडल का बिल्कुल अंग है। वो 6 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूटी बन गया तो हट गया है, वो 7 थे इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संसद के संदर्भ में एक असत्य होगा यहाँ पर, कौन सा है वो? संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, तो है, करेक्ट है। यह द्वि अंगीय व्यवस्था है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। अब पहला करेक्ट है, और भारतीय संसद का संचालन बिल्कुल संसद भवन में होता है, ये भी करेक्ट है। अब इन दोनों में से गलत है, कौन सा है वो? देखिए, राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी को भी बुलाने और स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति, ये भी करेक्ट है। संसद जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था है, अंग इसके 3 होते हैं, द्वि अंगीय नहीं है, तो गलत है ये दूसरा स्टेटमेंट। देखिए, संसद के 3 अंग हैं जो 3 है, और जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो 2 है, तो द्वि सदन है ये, लोकसभा और राज्यसभा, द्वि अंगे नहीं है, त्रिअंगीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था, इसलिए गलत है ये। तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, ये द्विसदनीय व्यवस्था है, ना कि द्विअंगीय, त्रिअंगीय है। 3 अंग कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। और भारतीय संसद का संचालन बिल्कुल संसद भवन में होता है, जो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली पर आधारित है, बताइए। इनमें से निर्भया, आकाश, त्रिशूल या अग्नि 5 ICBM प्रणाली पर आधारित है। देखिए, बाकी तो सब नहीं है, कोई भी एक ही है इसमें, अग्नि 5। तो अग्नि 5 भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपात्र है। इसे बनाया किसने? DRDO ने बनाया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने।
यह अत्याधुनिक तकनीक से बनी है, 17 मीटर लंबी है और 2 मीटर चौड़ाई है इसकी। अग्नि फाइव जो है अग्नि फाइव मिसाइल परमाणु हथियार से लैस होकर 1 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। ICBM प्रणाली पर आधारित है, भारत की एकमात्र, और DRDO ने इसको बनाया, याद रखना। और 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में एक कथन जो है वो गलत होगा यहाँ पर। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। करेक्ट है। उसकी भूमिका वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित किसी भी अन्य शासन व्यवस्था के वैधायिकीय सभापति के समान होती है, ये भी करेक्ट है। वह संसद के सदस्यों में ही 5 साल के लिए चुना जाता है। देखिए, वह संसद के सदस्यों में से ही बिल्कुल 5 साल के चुना जाता है, करेक्ट है। वह अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। देखिए, गलत है। लोकसभा का जो सदस्य अध्यक्ष होता है वो पद और गोपनीयता की शपथ लेता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सदस्य के रूप में पहले ही शपथ लेता है। तो गलत है यहाँ पर डी स्टेटमेंट जो हो जाएगा। राष्ट्रपति के समक्ष बिल्कुल भी शपथ नहीं लेता है कोई भी अध्यक्ष बनने वाला, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिड़ला हैं, और इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है, याद रखिएगा। तो देखिए, लोकसभा के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद में निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है, और उसकी भूमिका वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित किसी भी अन्य शासन व्यवस्था के वैधायिकीय सभापति के समान होती है। उसका निर्वाचन लोकसभा चुनावों के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। वह संसद के सदस्यों में से 5 साल के लिए चुना जाता है, बिल्कुल, और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे ताकि कार्यवाही में निष्पक्षता बनी रहे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला हैं, जो कि अपनी पूर्वाधिकारी सुमित्रा महाजन के बाद इस पद पर असाइन हुए हैं, और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में यहाँ 4 स्टेटमेंट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, करेक्ट है। यह 1936 में हैरी नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। इसके पास से होकर भागीरथी कहाँ गुजरती है, गलत है। इसे IUCN की श्रेणी द्वितीय या श्रेणी 2 में रखा गया है, करेक्ट है। तो भागीरथी नहीं, गलत है, रामगंगा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, रामगंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में सत्य है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूरा हो जाए, अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान समय में इस संस्थान के मुखिया राजीव महर्षि हैं, और यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को तथा राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। तो पहला करेक्ट है यहाँ पर, दूसरा भी करेक्ट है यहाँ पर, तीसरा भी करेक्ट है यहाँ पर, तो सारे के सारे सही हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, वर्तमान समय में इस संस्थान के जो मुखिया हैं, बिल्कुल राजीव महर्षि हैं, वे भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, CAG हैं, और ये जो अपने कार्यकाल पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए, अपने पद पर बना रहता है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है, और यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में एक बार फिर से कौन सा कथन असत्य है। वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए, करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित करके इसे हटाया जा सकता है। इसे लोक लेखा समिति का आँख वे कान कहा जाता है। देखिए, करेक्ट है बिल्कुल, इसे लोक लेखा समिति के आँख और कान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अपना गलत हो जाएगा, जो असत्य हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, क्योंकि इसको संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है। तो साधारण बहुमत नहीं चलेगा भैया, विशेष बहुमत चलेगा। तो करेक्ट हो गया, सी हो गया इनकरेक्ट। तो देखिए,
संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्तावित प्रस्ताव पारित करके इसे हटाया जा सकता है। इसे लोकलेखा समिति का आँख वे कान कहा जाता है। और बाकी भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो, ये सभी खर्चे जो हैं, इन खर्चों संबंधी लेखाओं की ये लेखा परीक्षा करता है। पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। तो अंतिम प्रश्न देखते हैं, 10 प्रश्न ही ऐड किए हैं इस टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में इस बार एक असत्य है। लोक लेखा समिति को बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा या ऑडिटिंग करती है। करेक्ट है, यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। मैंने पहले भी बताया है कि कौन सी समिति है जो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है, वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति। करेक्ट है दूसरा भी, यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। ये भी करेक्ट है। अब देखिए, इसमें या जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के होते हैं, अगर इसके बाद स्टेटमेंट थर्ड पढ़ा जाएगा तो वैसे जिसमें भी सही है। तो देखिए, यहाँ तीसरा जो है स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा के बिल्कुल इसमें 15 सदस्य होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के होते हैं वो 10 नहीं होते हैं, वो 7 सदस्य होते हैं। टोटल इसमें 22 होते हैं ना, 15 + 7 = 22 होते हैं। तो देखिए, जो है स्टेटमेंट यहाँ पर वो पहला करेक्ट हो गया, दूसरा करेक्ट हो गया, डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, मतलब डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं तथा 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं और एक साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, याद रखना एक साल के लिए। तो 15 + 7 कितने हो गए, 22 हो गए। अब वहाँ लिखा था 10, तो गलत हो गया इसलिए स्टेटमेंट। तो यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जाँच करती है और लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है। तो देखिए, ये 10 प्रश्न थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना, इम्पॉर्टेंट हैं, टफ हैं थोड़े, लेकिन अगर इनको बना ले जाओगे तो एग्ज़ाम में आराम से कर ले जाओगे। धन्यवाद।